कि शर्मा जी ने अभी एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन दो तीन पॉइंट मेरे भी हैं। वो ये है कि जो जितने भी पार्टियां आजकल आ रही हैं, या जैसे फ्री में बहुत कुछ बांट रही हैं, हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम 10,000 15,000 पर 1,000 और 1,500 पर लेडी जो फ्री देंगे। एक पार्टी की, मैं किसी का पार्टिकुलर नाम तो नहीं लूंगा, जो पंजाब में उन्होंने पीछे इलेक्शन में बोला कि हम 1,500 रुपये हर लेडी को फ्री देंगे, पेंशन देंगे, हर महीना देंगे। अब वो आज तक वो उनको दे नहीं पाए। हमारे पास ऐसी बहुत सारी प्रपोजल्स हैं कि जिसमें हम लोग लोगों को फ्री कुछ नहीं देंगे। हमारे यहाँ पे इतने संसाधन हैं कि उसी में से हर आदमी को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा, जैसे कि आजकल परिवारवाद बहुत चल रहा है, एक ही परिवार से कोई पहले दादा था, फिर बाप है, फिर उसका बेटा है, बेटे का बेटा चल रहा हुआ है। क्योंकि ये जो गरीबी और अमेरिका बीच में गैप बढ़ रहा है ना, ये हम लोग खुद पैदा कर रहे हैं, कोई नहीं इसका जिम्मेवार है। क्योंकि एक ही आदमी को बार बार हम उसी को कह रहे हैं, भाई तू करोड़पति बन जा। पिछले 20 साल से अगर वो एमएलए एमपी बन रहा है, तो बन, तू कमा जा, जितना कमाना कमा जा। हम कहते हैं कि अगर हर आदमी को मौका मिले, यंगस्टर में हमारे जो नौजवान लोग हैं उनके पास आइडिया है और बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर उन्हीं को हम मौका दें तो अपने वो आइडिया एक्सप्लॉइट करेंगे और इससे हमारे जितने भी देश के या अपने प्रदेश के जितने युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको मौका मिलेगा और कमाने का साधन भी मिलेगा। तो जैसे इन्होंने, शर्मा जी ने अभी बोला बिजली के बारे में, बिजली हमारे हिमाचल में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसका हम दोहन कर रहे हैं आज की डेट में। और ये सही कह रहे हैं कि जैसे भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम से आज तक जो हमारा 10-15% शेयर है वो आज तक नहीं ले पाई गवर्नमेंट। वही अगर हम आ जाए तो हमारा कम से कम 2-3 बजट उसी से निकल जाए, निकले ले ही नहीं पाते। तो इसलिए मैं अपना आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी इसको मीडिया में उछालें। शानन पावर प्रोजेक्ट है, आज तक हमारी बिजली जो पंजाब में जा रही है उसको हम ले नहीं पाए, प्रोजेक्ट भी नहीं ले पाए, जिसका सीधी बिजली जो है, जो पैसा जितना भी बनता है वो पंजाब में चले जाता है। हमारे हिमाचल में क्या अभी कहा जी 125 यूनिट या 200 यूनिट या 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैं तो नहीं समझता किसी को फ्री मिल रही है। आज की डेट में आप देखेंगे तो सबको बिल आ रहे हैं, हर आदमी को बिल आ रहे हैं 125 यूनिट। कौन, मेरा ख्याल गरीब से गरीब घर जो है वो भी 125 यूनिट फूक देता है। तो ये सारा ड्रामेबाजी है, झुंझला दे रहे हैं सबको ये। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि अभी इलेक्शन का दौर है, अब इन पार्टियों से जितने भी जो बरसाती मेंढक घूमने शुरू हो गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछिए आप, अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। कैसे? हमारे पास 3 ही क्वेश्चन होते हैं, कब, क्यों और कैसे। कब करना, क्यों करना और कैसे करना। हमारे पास लास्ट वाला जो कैसे है, वो कहते हैं जी हम फ्री देंगे, तो उसको पूछो कि कैसे। अगर वो कहते हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे तो कैसे, वो कहते हैं महंगाई दूर करनी है तो कैसे, अपना वो अपना दिखाएं डिटेल में अपना उसका, कि हमारे पास ये प्रोविजन है। हमारे पास, आप कभी भी बैठिए, आज तो थोड़ा टाइम है, कभी भी आप बैठोगे हम पूरा रोड मैप से दिखा देंगे आपको कि हम कैसे कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे हिमाचल के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए कर्ज है, जो कि एक आदमी के ऊपर 75 लाख हमारी आबादी है, तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख हमारे ऊपर कर्जा आ जाता है, एक पैदा होते बच्चे के ऊपर भी 3 लाख करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। तो मैं आंकड़े देख रहा था कि 1.5 से 2 लाख रुपए जो वो उस में से हमारे ऊपर कर्जा आता है, 1 लाख रुपए हमारे, तो 2.5-3 लाख रुपए तो वैसे हम कर्जा ही है यार। हर बारी हम कर्जा कर्जा लेने का कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारे यही ऐसे संसाधन है, साधन है, उनका यूज करो आप। खेती कृषि के ऊपर बार बार कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारे यहाँ पे फ्रूट है या दूसरी ग्रे क्रॉप्स है, क्रॉप्स को इतने सही ढंग से हम उसको पैदावार को बढ़ाएंगे या सही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। आजकल बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो हमारे यहाँ समस्या नहीं रहेगी। सो मैं आपसे ज्यादा समय ना लेता हुआ यहीं पे अपना हिमाचल के 68 के 68 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और युवाओं को हम बहुत से जोर से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर इन्होंने बेरोजगार किया और मुख्यमंत्री की चुनौती भी आई है कि चुनाव पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो, तो
तो हमने युवाओं को आह्वान किया है कि हमारे पास कम से कम 40 सीट्स हम युवाओं को देंगे, 20 लड़कों को और 20 लड़कियों को, इससे ज्यादा हो जाए हमें ऐतराज नहीं। 68 की 68 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। एक बेरोजगारी की समस्या की मैंने बात की है, इट्स हमारी कमिटमेंट है कि दे वी टेक ओवर इन द स्टेट 3 लाख लोगों को विद इन 3 मंथ्स, हम रेगुलर 2 लाख को रेगुलर और 1 लाख को नरेगा और दूसरे में 3 लाख को विद इन 3 मंथ्स हम रोजगार देंगे, और महंगाई के ऊपर गैस का सिलेंडर जो 50% बिलो कर देंगे जितना वर्तमान में, उससे 50% डाउन होगा, महंगाई सारी डाउन होगी, और जितना भी ये मुफ्तखोरी का जो आलम चला है, मुफ्तखोर दिल्ली दुल्ली में रहते हैं, हिमाचल में कोई मुफ्तखोर नहीं रहता, हिमाचल के लोग स्वाभिमानी है, कोई हिमाचल के अंदर एक आदमी मुझे बता दीजिए जो भीख मांगता नजर आए, मेहनत कश है हिमाचल के लोग, और इन्होंने क्या मुफ्त बांटना है। पहले PPMB का राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली हमारा अमाउंट क्लियर करे, उसके बाद आके बोले कि हम मुफ्त बांट रहे। मुफ्त तो ये हमारा, लेके बेसिकली तो हिमाचल बांट रहा है इन 4 स्टेटों के अंदर मुफ्त। ये बाबा जो है ये भगवंत मान या केजरीवाल या ऐसे श्री के लोग ले रहे हैं, पैसा तो हिमाचल का है, पैसा हिमाचल का, क्लियर करें ये लोग हिमाचल में आने के पहले। और भगवंत मान जिससे मेरा निवेदन है कि आप हिमाचल में आ रहे हैं वोट मांगने, आइए स्वागत है बाकी पार्टी, परंतु शानन प्रोजेक्ट का चार्ज हिमाचल को हैंड ओवर करें पहले, जो 1166 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक वो हिमाचल का है, उसको हिमाचल को दे, हिमाचल में आए और हिमाचल का जितना पैसा है उसको क्लियर करें, जितना इलेक्ट्रिसिटी का है, उसके बाद आए, स्वागत है आपका। किसी को डेमोक्रेसी के अंदर रोक नहीं है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, हर कोई आ सकता है, परंतु हम हिमाचल की पार्टी हैं, हम दिल्ली के गवर्नेंस, दिल्ली के इंटरफेरेंस अब हिमाचल में नहीं चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों ने डट के हिमाचल को लूटा है। आज हिमाचल में हिमाचल का सीमेंट और सबसे महंगा सीमेंट, हिमाचल की बिजली और हिमाचल को पैसा नहीं, लोगों को मुफ्त बांट रही हो, कितनी आइट में गुनाहू जहां हिमाचल ने लूटा है, और टिकट दिल्ली के अंदर धक्के खा रहे हैं हमारे कांग्रेस और बीजेपी के लोग, टिकट टिकट टिकट, क्यों हिमाचल, हिमाचल की जनता बिल्कुल, हिमाचल और हिमाचल के लिए ये हिमाचल जनक्रांति पार्टी आई है, हिमाचल के उत्थान के लिए अग्रसर रहेगी। धन्यवाद।